हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद देव। स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल पर मैं देवेंद्र आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने अभी तक स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन ऑन कर लीजिए, क्योंकि RHS नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम डेट जल्द ही आने वाली है, आपके एप्लीकेशन फॉर्म जल्द ही रिलीज होने वाले हैं। तो सबसे पहले अपडेट पाने के लिए आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको SMS कॉलेज में सिलेक्शन लेना है और RHS में सिलेक्शन लेना है तो अभी से हमारे इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि ऐसा स्टडी मटेरियल, ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें, आपको शॉर्ट नोट्स, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे एग्जाम तक कि आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। अभी की क्लासों को आप हल्के में ले रहे हो, लेकिन ये क्लासें भी आपके लिए गोल्डन क्लासें रहने वाली है। तो दोस्तों, अभी से आप इस चैनल पर जुड़ जाइए, डेली आपको एक ऐसा स्टडी प्लान प्रोवाइड करवाया जाएगा जिस प्लान को फॉलो करके आप 50 दिन में आप SMS कॉलेज में सिलेक्शन ले सकते हो। तो कौन कौन रेडी हैं उस प्लान के लिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना और हो जाना रेडी। अब यह क्लास आपकी केमिस्ट्री की रेगुलर इसी टाइम पर होने वाली है, फिजिक्स की क्लास आपके लिए ऑलरेडी हो चुकी है, बायो की क्लास आपकी 7 बजे होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा था सॉल्यूशन वाला, उसकी आज ये लास्ट क्लास है, मतलब 2 क्लासों में 1 चैप्टर कंप्लीट करवा रहा हूँ। फर्स्ट क्लास अपन पढ़ चुके हैं, अगर आपने वो क्लास अभी तक नहीं देखी हो तो फटाफट से उस क्लास को जाकर जरूर देखने लेना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो सेकंड क्लास अपनी रहने वाली है, सेकंड क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे। सेकंड क्लास क्या है आपकी, आदर्श विलेन और अनदर्श विलेन हम पढ़ चुके हैं। आज अपनी सेकंड क्लास है जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, आपको हम दिखाएंगे। तो आज हम स्थिर क्वांतिकी मिश्रण सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में अपन सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं स्थिर क्वांति मिश्रण, यानी कि स्थिर क्वांति मिश्रण क्या होता है, इसके बारे में हम आज की क्लास में आपको पढ़ाएंगे। आप सभी को मैं बता दूं, ये तरीका सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि इस तरीके में आपको मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ उस तरीके से आपको ध्यान होना चाहिए कि आपकी बुक्स जो प्रिंटेड बुक्स है वो चीज़ मैं इसमें कंसिडर कर रहा हूँ। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल जो आपका कुछ अगर बाहर जाने की संभावना होती है तो वो भी आपकी कवर हो जाएगी। ये क्लासें RHS के साथ साथ एम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लासें रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्थिर क्वांति मिश्रण। स्थिर क्वांति मिश्रण ये होता है कि द्विघटकीय मिश्रण होता है। स्थिर क्वांति मिश्रण जो होता है ये द्विघटकीय मिश्रण होता है जिसमें द्रव वो वाष्प्रावस्था का संगठन तो समान होता है, यानी कि उसमें क्या होता है, द्रव और वाष्प्रावस्था का जो संगठन होता है वो समान हो, तथा जो नियत ताप पर क्वथन दर्शाता हो, यानी कि नियत ताप पर क्या दर्शाता हो, क्वथन दर्शाता हो, इसे स्थिर क्वांति मिश्रण। हेलो बच्चों, अगर आपको इंग्लिश बोलने में हिचकिचाहट होती है, अपने इंग्लिश इंटरव्यू की तैयारी करनी है और फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना चाहते हो, तो आप सबके लिए एक गुड न्यूज, डाउटनेट ऐप लाया है आप सबके लिए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जहां इंग्लिश के टॉप टीचर्स आपको एकदम बेसिक से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी हिंदी भाषा में, यानी अब आप हमें से हर बच्चा अंग्रेजी बोल सकता है। और साथ ही इस कोर्स के अंत में आप सबको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, तो अभी जाइए और डाउटनेट ऐप पर यह कोर्स खरीदिए और अपने अंग्रेजी बोलने के सपने को पूरा कीजिए। पूरे भारत में सबसे बढ़िया दाम और इतना टॉप क्वालिटी का कोर्स सिर्फ डाउटनेट पर मिलेगा, कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में। कहते हैं, यानी कि जो स्थिर क्वांति मिश्रण होता है एक द्विघटकीय मिश्रण होता है। कैसा मिश्रण होता है, एक द्विघटकीय मिश्रण होता है। दोस्तों ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को आप रट लेना कि स्थिर क्वांति मिश्रण क्या होता है, एक द्विघटकीय मिश्रण होता है जिसमें द्रव और वाष्प अवस्था जो होती है, द्रव और वाष्प की जो प्रावस्थाएं होती है उनका संगठन कैसा होता है, उनका संगठन समान होता है, और जो नियत ताप पर क्वथन दर्शाता है, नियत ताप पर क्या दर्शाता है, क्वथन दर्शाता है। यह मिश्रण केवल अनादर्श विलयन वाले ही विलयन द्वारा ही दर्शाया जाता है। इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से दोस्तों, कि स्थिर क्वांति मिश्रण जो होता है वो केवल और केवल अनादर्श विलयन द्वारा ही निर्मित होता है। किसके द्वारा, केवल और केवल अनादर्श विलयन द्वारा ही निर्मित होता है। ये चीज आप नोट कर लेना, साथ के साथ नोट्स बनाते चलना दोस्तों। आपको बहुत कम टाइम में, आप सभी के लिए एक एक घंटा में टाइम नहीं खींचूंगा, बहुत कम टाइम में आपके लिए क्लासें कंप्लीट करवा रहा हूँ। एक एक चैप्टर जो क्लासें एक एक दिन में कंप्लीट नहीं हो सकती, उतनी क्लासें मैं एक एक दो दो क्लासों में कंप्लीट करवा रहा हूं, मतलब आपके लगभग 40-40 मिनट की क्लासों में, 2 क्लासों में आपका पूरा सिलेबस, पूरा चैप्टर करवा देता हूं। जो RHS नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के अकॉर्डिंग जो चीज है उनको मैं ऐसे ही कवर करवा दूंगा। घबराने की जरूरत नहीं है, सिलेक्शन लेना होगा तो स्टडी विद देव को फॉलो करना होगा, बस एक संकल्प, स्टडी विद देव को फॉलो, बस ये संकल्प लेके चलो, आपका सिलेक्शन श्योर है, श्योर है, बस फॉलो करना होगा। ठीक है,
तो याद रखना आदर्श विलेन और अनादर्श विलेन के बारे में अपन कल बात कर चुके थे, लेकिन एक बार और बता देता हूँ। आदर्श विलेन क्या होता है? आदर्श विलेन वो होता है जो सभी ताप पर, सभी पर राउल्ट के नियम का पालन करता है, सभी ताप और सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करता है, आदर्श विलेन कहलाता है। और अनादर्श विलेन क्या कहलाता है? अनादर्श विलेन दो तरह के होते हैं, धनात्मक विचलन वाले और ऋणात्मक विचलन वाले। धनात्मक विचलन वाले वो होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते और ऋणात्मक भी पालन नहीं करते। ऋणात्मक विचलन में क्या होता है? जो ऋणात्मक विचलन होता है उसमें वाष्प दाब जो अपन ऑब्जर्व करते हैं वो कैलकुलेटेड से कम प्राप्त होता है, और धनात्मक विचलन वाले में क्या होता है? ऑब्जर्व किया हुआ वाष्प दाब कैलकुलेटेड से हमें ज्यादा प्राप्त होता है। इसी के साथ आदर्श विलयन में कभी भी डेल्टा एच का मान जीरो से ज्यादा नहीं हो सकता, हमेशा जीरो ही रहता है। आदर्श विलयन में जो डेल्टा एच का मान होता है वो हमेशा जीरो होता है, और डेल्टा वी का मान भी हमें क्या प्राप्त होता है? हमेशा जीरो ही रहता है। लेकिन जो अनादर्श विलयन होता है, अनादर्श विलयन धनात्मक विचलन में डेल्टा एच का मान जीरो से ज्यादा होगा और डेल्टा वी का मान भी जीरो से ज्यादा होगा, और लेकिन ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन में डेल्टा एच का मान जीरो से कम होता है और डेल्टा वी का मान भी जीरो से कम ही होगा। बाकी चाहे आदर्श विलयन हो, चाहे अनादर्श विलयन हो, चाहे धनात्मक विचलन वाला हो, चाहे ऋणात्मक विचलन वाला हो, सभी में जो आपका डेल्टा एस और डेल्टा जी का जो मान होगा, डेल्टा एस और डेल्टा जी का जो मान होगा हमेशा सेम ही रहेगा। डेल्टा जी का मान हमेशा एक से, हमेशा जीरो से कम ही होगा। क्या होगा? हमेशा जीरो से कम होगा, चाहे आदर्श विलयन हो चाहे अनादर्श विलयन हो। लेकिन डेल्टा एस का मान हमेशा जीरो से ज्यादा ही होगा, चाहे आदर्श विलयन हो चाहे अनादर्श विलयन हो। सभी विलयन्स में ये मान सेम ही रहेगा, चेंजेस नहीं होगा। जो चेंजेस होगा वो डेल्टा एच और डेल्टा वी के मान में ही चेंजेस होने वाला है। तो ये चीज मैं आपको कल समझा चुका था। और जो अनादर्श विलयन होते हैं वो सभी विलयन, जो अनादर्श विलयन होते हैं उन अनादर्श विलयन में स्तर क्वांति मिश्रण भी होता है। जो द्विघटकीय मिश्रण होता है उसे स्तर क्वांति मिश्रण कहते हैं। चाहे द्रव और वाष्प प्रावस्था का संगठन क्या होना चाहिए, उनमें समान होना चाहिए, और इनका जो नियत तापरेख क्वथन दर्शाते हैं। जो स्तर क्वांति मिश्रण होते हैं दो प्रकार के होते हैं, निम्न क्वांति और उच्च क्वांति। निम्न क्वांति क्या होता है? निम्न क्वांति मिश्रण वो होता है जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है, यानी कि राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है वो क्या कहलाते हैं? जो धनात्मक विचलन दर्शाते हैं वो निम्न क्वांति मिश्रण कहलाते हैं। कौन सा वाला? जो धनात्मक विचलन दर्शाते हैं वो कहलाते हैं। तो इनमें आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो यहाँ नहीं नोट हुआ है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका धनात्मक जो स्थिर क्वांति मिश्रण होता है उसके लिए डेल्टा एच का मान क्या होगा? तो उसके लिए जो डेल्टा एच का मान होने वाला है, डेल्टा एच का मान जो होगा वो जीरो से ज्यादा होता है। डेल्टा वी का मान भी क्या होगा? डेल्टा वी का मान भी जीरो से ज्यादा होता है। निम्न क्वांति मिश्रण के लिए डेल्टा एच का मान जीरो से ज्यादा होता है और डेल्टा वी का मान भी जीरो से ज्यादा होता है, क्योंकि निम्न क्वांति मिश्रण राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन होते हैं। क्या होते हैं? अनादर्श विलयन होते हैं। इनके एग्जांपल आप सभी के सामने हैं, जो निम्न क्वांति का दर्शाते हैं उनका एग्जांपल है जल प्लस एथेनॉल और एथेनॉल प्लस क्लोरोफार्म, यानी कि दो एग्जांपल आपके सामने दे रखे हैं। जल और एथेनॉल का मिश्रण जो होता है वो क्या कहलाता है? निम्न क्वांति का एग्जाम्पल है, और एथेनॉल और क्लोरोफार्म दोनों ये भी क्या है? निम्न क्वांति मिश्रण का ही एग्जाम्पल है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अपन उच्च क्वांति मिश्रण की ओर। तो उच्च क्वांति मिश्रण क्या करता है? राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। राउल्ट के नियम से क्या दर्शाते हैं? ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। अगर उच्च क्वांति मिश्रण की बात करें तो इसके लिए जो डेल्टा एच का मान होता है, डेल्टा एच का मान जो होता है वो जीरो से कम होता है। कितना होता है? जीरो से कम होता है। जबकि डेल्टा वी का मान क्या होता है? डेल्टा वी का मान भी जीरो से कम होता है। ये बात आप ध्यान रख लेना, मैंने इन चीज़ों के लिए आपको बता दी। कोई भी आपको ये बात डिस्कस नहीं करेगा कि निम्न क्वांति के लिए क्या होता है, उच्च क्वांति के लिए क्या होता है डेल्टा एच और डेल्टा वी का मान। बाकी चाहे उच्च क्वांति हो चाहे निम्न क्वांति हो, दोनों के लिए डेल्टा एस का मान वही रहेगा, जीरो से ज्यादा रहेगा, और डेल्टा जी का मान जीरो से कम रहेगा। बस ये चाहे निम्न क्वांति हो चाहे उच्च क्वांति हो, ये चेंजेस नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, उच्च क्वांति का जो एग्जांपल है वो है आपका एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का मिश्रण, और मेथेनॉल और एसिटिक अम्ल का मिश्रण उच्च क्वांति मिश्रण के एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं, दो एग्जाम्पल दोनों के मैंने दे रखे, तो दोनों के एग्जाम्पल आपको कन्फर्म याद होने चाहिए। इनके अलावा कुछ एग्जाम्पल
विचल आपको मैं कल भी बता चुका था, यानी कि जो उच्च धनात्मक विचलन दर्शाते हैं वो सभी निम्न क्वांति के एग्जाम्पल है। तो मैं आपको बता देता हूँ जो ये एग्जाम्पल आपके सामने है, ये जो एग्जाम्पल है ये उच्च क्वांति मिश्रण के एग्जाम्पल है। किसके उच्च क्वांति मिश्रण के एग्जाम्पल है? क्लोरोफॉर्म एसीटोन, जल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसीटोन एनिलीन, मेथलोन मेथिलोनोल और एसिटिक अम्ल और क्लोरोफार्म बेंजीन, ये सभी किसके एग्जाम्पल है? उच्च क्वांतिकी मिश्रण के एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि ये ऋणात्मक विचलन दर्शाता है, तो जो ऋणात्मक विचलन दर्शाता है वो सभी उच्च क्वांतिकी मिश्रण के एग्जाम्पल, वो सभी क्या होते हैं? उच्च क्वांतिकी मिश्रण होते हैं। और जो आपका धनात्मक विचलन दर्शाते हैं वो निम्न क्वांतिकी मिश्रण होता है। तो इसमें देख सकते हो मेथेनॉल जल, मेथेनॉल कार्बोटेट्राक्लोराइड, एथेनॉल जल, एसीटोन एथेनॉल, एसीटोन कार्बन डाइसल्फाइड, ये सभी क्या होते हैं? धनात्मक विचलन दर्शाने वाले हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये निम्न क्वांति मिश्रण के एग्जाम्पल है। तो जो धनात्मक विचलन दर्शाता है वो सभी क्या होते हैं? वो सभी आपके निम्न क्वांति मिश्रण होते हैं। तो इसलिए एग्जाम्पल भी आपको ये सारे भी रट लेने हैं, क्योंकि क्वेश्चन उठाने वाला यहाँ से भी उठा सकता है। तो आपको मैं कोई भी चांस नहीं छोड़ सकता, एग्जामिनर के लिए कोई भी मौका नहीं दे सकता कि वो मेरा बताए हुए स्टूडेंट्स को, मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स को फेल कर सके। इसलिए मैं उन सब चीज़ों को आप सभी के साथ रिकवर या कवर करता हुआ चल रहा हूँ जो आपको होना जरूरी है। तो दोस्तों, आज की क्लास आपको अच्छी लग रही नहीं लग रही ये जरूर बताना। क्या आप सभी को सिलेक्शन लेना है? अगर आपके साथ आपके फ्रेंडों को भी आपको सिलेक्शन दिलाना है, चाहे SMS में आप खुद लो और दूसरे में आप लेना चाहते हो, तो उनको जरूर बुलाइए अपने चैनल पर, उनको जरूर बताइएगा। दूसरी बात आपको मैं बता दूं, आप सभी के लिए पेपर का भी कुछ क्वेश्चंस हम जुगाड़ कर सकते हैं, क्योंकि जो 100 क्वेश्चंस आते हैं उसमें से पेपर RHS से आउट होते हैं। वहां पे कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जो पेपर आउट करते हैं, अगर हमारे हाथ पेपर लगा तो आपको पेपर बिल्कुल फ्री में हम प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करेंगे, आपके लिए कोशिश करेंगे कि अगर वो पेपर हमें मिलता है तो हम आपको प्रोवाइड भी करवाएंगे। क्योंकि RHS में से लास्ट पेपर आउट होता है, लास्ट ईयर भी पेपर आउट हुआ था उसका भी हमें पता है, लेकिन एक प्राइवेसी की वजह से बता नहीं पाए, लेकिन हो सकता है इस बार भी होएगा, तो हम आपके लिए जरूर शेयर करेंगे उसको, ठीक है। आगे हमारा टॉपिक आता है अणुसंख्यक गुणधर्म और आणविक द्रव्यमान की गणना, यानी कि अगला जो टॉपिक आता है अणुसंख्यक गुणधर्म है और आणविक द्रव्यमान की जो गणना है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं? सबसे पहले सबसे अहम सवाल ये बन जाता है कि अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है, तो सबसे बड़ा अहम सवाल आपका बन जाता है। और तो देखते हैं, विलयनों के कुछ गुण घुलनशील विलेय की मात्रा पर निर्भर करते हैं। इन गुणों का संबंध विलेय की प्रकृति और संगठन से नहीं होता, यानी कि विलयनों के कुछ गुण घुलनशील विलेय की मात्रा पर क्या करते हैं? निर्भर करते हैं। इन गुणों का संबंध विलेय की प्रकृति और संगठन से नहीं होता। विलयनों के ये गुण अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं, यानी कि विलयनों के कुछ गुण जो घुलनशील विलेय की मात्रा पर क्या नहीं करता, निर्भर नहीं करता। इन गुणों का संबंध विलेय की प्रकृति और संगठन से भी नहीं होता, यानी कि ना तो वो निर्भर करते घुलनशील विलेय की मात्रा पर निर्भर करते, ना ही विलेय की प्रकृति पर निर्भर करते, और संगठन से भी नहीं होता उनका कोई संबंध। तो ऐसे जो गुण होते हैं उनको बोला जाता है अणुसंख्यक गुणधर्म बोला जाता है। चार प्रकार के अणुसंख्यक गुणधर्म हमारे पास हैं। तो चार प्रकार के अणुसंख्यक गुणधर्म कौन कौन से होते हैं देखते हैं। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, प्राशन दाब, यानी कि चार अणुसंख्यक गुणधर्म हैं जिनके बारे में हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम वान ठाप के गुणांक का नियम पढ़ के हमारा चैप्टर यही क्लोज हो जाएगा। बस कुछ टाइम की बात है जिसमें आपकी सॉल्यूशन वाला चैप्टर कल्लास हो जाएगा। आप सभी को अब डरने की जरूरत नहीं है, स्टडी विद देव आपके साथ है, तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप सभी को पता नहीं हो तो मैं बता दूं, 11 नवंबर तक आप सभी के लिए ऑफर चल रहा है। PCB की जो ई बुक्स है वो ओनली 150 रुपये में आपको मिल रही है। PCB की ई बुक्स आपको ओनली 150 रुपये में मिल रही है। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप अभी जाकर तीनों बुक्स के लिए अगर परचेज करना चाहते हो PDF, तो आप परचेज कर सकते हो। ओनली 150 रुपये में तीनों PDF आपको मिल रही है, जिसकी जो पहले प्राइस थी वो 247 रुपये थी, लेकिन उसको घटाकर 150 रुपये आपके लिए रखी हुई है। 11 नवंबर तक आपको ये इतने ही प्राइस में मिलने वाली है। तो जिसको भी लेना हो जल्दी से जाकर
इसको परचेज कर लीजिए, क्योंकि 11 नवंबर को एक स्पेशल डेज है, इस वजह से उस दिन तक आप सभी को ये इतनी कम प्राइस में मिल रही है। और हो सकता है 11 नवंबर को ये तीनों पीडीएफ आपको 100 रुपीज में भी मिल सके। अगर आप लेना चाहो तो रुक जाना, 11 नवंबर को अगर हम प्लान कर रहे हैं, अगर 11 नवंबर को हो सके तो पीसीबी की बुक्स जो पीडीएफ है, पीडीएफ आपको 100 रुपीज में भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, जो आपके लिए बहुत ही बड़ा सुनहरा मौका हो सकता है। लेकिन ये अभी प्लानिंग है, लेकिन आप अभी लेना चाहो तो ले सकते हो, बाकी 2 दिन और रुक जाओ, आज हो चुकी 7, हो सकता है कल या परसों तक आपको फुल प्लान मिल जाए। ठीक है, बात करते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से बात करेंगे, तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन किसके लिए निकाला जाता है, तो इसमें तनु विलयन के लिए अलग से निकाला रखा है, RLV विलय के कणों की सापेक्ष संख्या पर निर्भर करता है। यानी कि जो वाष्प दाब में जो आपेक्षिक यानी कि सापेक्षिक जो अवनमन होता है वो किसके आधार पर निर्भर करता है, ये किसकी संख्या पर निर्भर करता है, ये विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन बनेगा यही बनेगा इस टॉपिक से, वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन से एक ही क्वेश्चन बनता है जो बनेगा, या इससे आपका जो नॉर्मल न्यूमेरिकल बनता है, न्यूमेरिकल इतना खास नहीं बनता है, न्यूमेरिकल कभी कभार इससे बनता है, लेकिन अगर वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन आपसे पूछा जाता है तो उसका क्वेश्चन यही बनता है, ये किस पर निर्भर करता है, तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के कणों की सापेक्ष संख्या पर निर्भर करता है। किस पर, इम्पोर्टेंट बात इसको नोट कर लेना आप सभी, वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन विलय के कणों की सापेक्षिक संख्या पर निर्भर करता है, बस इतना आपको याद रखना है। या इसके अलावा जो फॉर्मूला आपका इसका होता है वो क्या रहेगा, तो ये फॉर्मूला आपको नोट कर लेना है, अगर इसका न्यूमेरिकल जो बनता है वो P0A यानी कि इसका मतलब क्या होगा, विलय का दाब, और ये हो गया आपका विलयन का दाब, यानी कि जो आपका PA0 है ये विलय का दाब है, और PS क्या यहाँ पे विलयन का दाब है, और PA0 विलय का दाब हो गया, बाकी ये मोलों की संख्या किस किस की, ये विलय के मोलों की संख्या, ये विलयन के मोलों की संख्या, और ये आई है, आई अभी आप यहाँ नहीं भी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आई यहाँ पे वांट हाफ गुणांक है। अगर सिंपल तरीके से पूछे तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, अगर आपको वांट हाफ गुणांक दे रखा हो तो आई का यूज कर लेना, अन्यथा I का कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला सीधा बनता है वो NbNA=P0A-PS=P0A, यानी कि P0A यहाँ पे क्या है, विलय का दाब है, जबकि PS यहाँ पे क्या है, विलयन का दाब है। तो दोस्तों ये चीज आपको फॉर्मूला याद रखना है कि वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन केवल और केवल विलय के कणों के सापेक्ष संख्या पर निर्भर करता है, बस ये चीज आपको ध्यान रख लेना है, रट लेना है ये चीज कि जो RLV यानी कि जो विलय का जो आपका वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है वो विलय के कणों की सापेक्ष संख्या पर ही निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे अगला अणुसंख्यक गुणधर्म आपका जो आता है वो आपका आता है क्वथनांक में उनियन, यानी कि क्वथनांक में उनियन यानी कि एवोल्यूशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में उनियन। तो क्वथनांक में उनियन जो होता है, क्वथनांक में उनियन का इससे न्यूमेरिकल 100% आता है भाई, इतना आपको नहीं करना यहां से, दो क्वेश्चन से, एक तो क्वथनांक का उनियन है हिमांक में अवनमन, यहाँ से 100% आपका न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो अब कैसे करना है इसको देखना है। चलो, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो इसका सबसे मेन चीज़ है वो है फॉर्मूला, आपको याद होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला होता है इसका, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू एम डेल्टा टीबी। बस जो क्वथनांक का उन्नयन होता है वो किसके समानुपाती होता है, सबसे पहले अपन यहाँ से बात करते हैं, जो क्वथनांक का उन्नयन होता है यानी कि डेल्टा टीबी होता है, क्या होता है, डेल्टा टीबी समानुपाती होता है मोललता के, पर विलयन की मोललता के समानुपाती होता है, मोलरता के नहीं होता भाई, मोललता के होता है, याद रखना किसके होता है, मोलरता के होता है मोलरता के नहीं होता। अगर इसको आगे हम करते हैं तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू KBm। ठीक है, अब ये KBm हो गया, तो ये बस सिंपल फॉर्मूला यही बनता है, लेकिन अगर आप अपने क्वेश्चन में वांट हाफ गुणांक भी दे रखा हो तो हम इसका आई से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, बस इतना सा अपन को याद रखना है, बस यहाँ पे क्या होगा, आई से भी इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, ये वाला हो गया IMKB। तो यहाँ पे आई क्या है, वांट हाफ गुणांक, अगर क्वेश्चन में दे रखा हो, अगर आपको निकालने के लिए बोले तो ठीक है, निकालने का तरीका मैं आगे बता दूंगा, वांट हाफ गुणांक कैसे निकालते हैं, अगर नहीं दे रखा हो क्वेश्चन में तो एम और केबी वाले क्वेश्चन में जब क्वेश्चन करवाऊंगा आपको तब सारी चीजें समझा दूंगा। तो आपका इस तरीके से ये क्वेश्चंस भी हो जाएगा। यहाँ पे के बी क्या होता है, ये विलायक के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक, यानी कि विलायक का
एबोलिकोपिक नियतांक होता है, यानी कि यह नियतांक होता है कौन सा, आपका जो के बी है, के बी एक तरह का नियतांक होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको अपन सिंपल तरीके से कर सकते हैं यहाँ पे। ये आगे इसको फॉर्मूला आपको पता है कि इसको अगर अपन जो फॉर्मूला दे रखा है अपना के बी वाला जो फॉर्मूला दे रखा है, के बी वाला जो अपना टी बी है, तो एम का फॉर्मूला अपन को पता है सही, डब्ल्यू यानी कि विलयन का बार और इसका एम डब्ल्यू एम ए यानी कि मोलर वेट किसका, विलय का, और नीचे क्या आ जाएगा डब्ल्यू बी यानी कि विलायक का बार, क्योंकि मोललता का फॉर्मूला क्या होता है, विलय का बार अपॉन मोलिकुलर वेट इंटू विलायक का बार इंटू हज़ार, यानी कि अगर नीचे को ग्राम में लेते, इसको ग्राम में लेते तो हज़ार लिख देंगे, अगर इसको के जी में लेंगे तो हज़ार नहीं लिखेंगे। सिंपल सी बात यही है, बस फॉर्मूले में पुट अप करो वैल्यू और आगे आंसर निकालो। जब क्वेश्चन आएंगे मैं जरूर करवाऊंगा आपके, पहले अपन थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं। बात करते हैं हिमांक में अवनमन, तो हिमांक में अवनमन जो होता है, हिमांक में अवनमन डेल्टा टी एफ समानुपाती होता है मोललता के, ये भी किसके समानुपाती होता है, ये भी मोललता के समानुपाती होता है, चाहे हिमांक में अवनमन हो या क्वथनांक में उन्नयन हो, ये दोनों किसके समानुपाती होते हैं, मोललता के समानुपाती होते हैं। मोललता यानी कि m स्मॉल m या कैपिटल m का मतलब होता है मोललता। सिंपली इसमें वैल्यू पुट अप करनी है और आंसर निकाल लेना है। तो डेल्टा टी ए समानुपाती m, यानी कि इसको अगर अपन सिंपल फॉर्म में लिखेंगे डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम, बस ये फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला आपका नॉर्मल रहता है। अगर वांट हाफ गुणांक से संबंधित क्वेश्चन दे रखे हो तो वांट हाफ गुणांक का यूज कर लेते हैं। अगर वांट हाफ गुणांक से कोई बात नहीं हो एवं वांट हाफ गुणांक की कोई भी बात नहीं की हो क्वेश्चन में, तो उसको क्वेश्चन नहीं करते, वांट हाफ गुणांक को कंसिडर नहीं करते, ओनली के एफ एम इसको कंसिडर करके आंसर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ आप ध्यान रखना, जो यहाँ पे के एफ है, के एफ क्या है, विलाय के लिए मोलल अवनमन स्थिरांक है, मोलल अवनमन स्थिरांक है। तो दोस्तों आपका हर टॉपिक क्लियर होता जा रहा होगा, आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं होगी। आप सभी को बस याद इतना रखना है, इन दोनों से क्वेश्चन 100% आता है, प्राशन दाब से क्वेश्चन आता है, लेकिन जो आपका वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन था उससे क्वेश्चन पूछेगा, तो यही पूछेगा कि यह किस पर निर्भर करता है। तो वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन विलय के कणों की सापेक्ष संख्या पर ही निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, सापेक्ष संख्या पर ही निर्भर करता है। ये चीज़ों को आप पसना मत, क्योंकि आप इनमें कन्फ्यूज हो गए फालतू में, ठीक है। कभी कभार इन क्वेश्चंस को इस प्रकार घुमा के पूछा जाता है, चाहे आपका डेल्टा टी एफ का हो, चाहे डेल्टा टी बी का हो, यानी कि हिमांक अवनमन का हो, चाहे आपका हिमांक अवनमन का हो, या आपका किसका हिमांक सॉरी बॉइलिंग जो क्वथनांक उन्नयन है उसका हो, उसमें से क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा इस स्थिरांक के ऊपर, यानी कि के एफ पूछ लेता है या के बी पूछ लेता है, या फिर आपको डेल्टा टी एफ दे देता है, उसमें डेल्टा टी एफ के अलावा आपको क्या देता है, विलय का बार दे देता है, और एम डब्ल्यू यानी कि जो आपका एम ए यानी कि एम ए मोलिकुलर वेट पूछ लेता है। मोलिकुलर वेट भी इस क्वेश्चन से अपन इसमें निकाला, मैं सारे क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, बस आप सभी थोड़ा सा सपोर्ट करिए, हमारे साथ बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी को ऐसी क्लासे भी आपके लिए जल्दी आएगी। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में आज को बहुत समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ये आपको बताना है। अगला जो आपका अणुसंख्यक गुणधर्म आता है वो आता है आपका प्रासरण दाब जिसमें बोल लेता है ओस्मोसिस, प्रासरण दाब जिसे पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, ऑस्मोसिस प्रेशर्स, ऑस्मोटिक प्रेशर्स जो होता है ये क्या होता है, प्रासरण क्या होता है। तो दोस्तों ध्यान होना चाहिए आपको, अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विलायक के अणों का तनु से सांद्र विलयन की ओर होने वाला प्रभावी प्रवाह प्रासरण कहलाता है। अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक के अणों का तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर होने वाला प्रवाह क्या कहलाता है, प्रासरण कहलाता है। यानी कि अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक के अणों का, यानी कि तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर, किसका, विलायक के अणों का तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर होने वाला जो प्रभाव होता है वो क्या कहलाता है, प्रासरण कहलाता है। इसको किस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है, पाई इज इक्वल टू एच डी जी, यानी कि तनु विलयन के लिए जो पाई का रहेगा वो क्या रहेगा, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, यानी कि नॉर्मल तो होता है सी आर टी, लेकिन अगर इसके साथ जो आपका हिमांक क्वथनांक को भी साथ में ऐड कर लिया जाए तो इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, वांट हाफ गुणांक को भी ऐड कर लिया जाए तो पाई इज इक्वल टू आई इंटू सी आर टी। यहाँ पे जो सी है, सी क्या है, सांद्रता है, टी आर क्या है, यहाँ पे आर यहाँ पे एक नियतांक है और
जो आपका टी है, टी क्या है, पर टेम्परेचर है। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम बहुत सारे काफ़ी सवाल आगे करने वाले हैं, तो आप सभी ध्यान रखना। आगे बहुत सारे फॉर्मूले का यूज करके हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, बहुत सारे आपको बहुत सारी चीज़ें समझाएंगे, ताकि आपका एंट्रेंस एग्जाम में आपको कोई रोक ना सके। बस अब आपको जो प्लान होगा डेली का प्लान, आपको सुबह 8 बजे रेगुलर वीडियो मिलेगा, प्लान जरूर फॉलो करना है किस तरीके से आपको आज कौन सा टॉपिक पढ़ना है, और उन टॉपिक्स के साथ हो सकेगा तो मैं शाम को वीडियो लाऊंगा और आपसे पूछूंगा कि आपका कितना टॉपिक क्लियर हुआ, आज जो आपका टास्क था वो टास्क आप कंप्लीट कर पाए या नहीं कर पाए, उसका भी आपसे मैं फीडबैक लूंगा। तो देखते हैं अगर आपको टाइम के अकॉर्डिंग किस प्रकार सिचुएशन रहती है, बट आपका प्लान अवश्य आएगा। अब रेगुलर 50 डे का प्लान, 50 दिन में आप अवश्य SMS कॉलेज में सिलेक्शन लोगे, ठीक है। तो दोस्तों ये तो हो गया प्रश्न दाब। प्रश्न दाब के लिए जो पाई इज इक्वल टू CRT, आप सभी कंफ्यूज हो रहे हैं कि आई हर जगह क्यों आ रहा है। तो आई देखो एक वांट हाफ गुणांक है, आगे जब आई के बारे में अपन पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा आई का मतलब क्या होता है, आई को किस प्रकार निकाला जाता है। लेकिन आई का हर जगह यूज नहीं किया जाता, आई का यूज कभी कभी किया जाता है, उसके बारे में आगे आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप अभी तो नॉर्मली विदाउट आई इसको पढ़ना, पाई इज इक्वल टू CRT होता है। सी यहाँ पर सांद्रता है, यानी कि इससे सांद्रता को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, सांद्रता को मोलरता से रिप्रेजेंट किया जाता है। अपन ने हिमांक अवनमन और क्वथनांक उन्नयन में मोललता को पढ़ा था, लेकिन जो आपकी प्रश्न दाब है, प्रश्न दाब में हम यहाँ मोलरता का यूज करेंगे, किसका मोलरता का यूज करेंगे, यानी कैपिटल M का यूज करेंगे, यानी कि सी इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू क्या हो गया WA MA और इंटू VAB इंटू 1000, ठीक है। अगर नीचे मेल में लेते तो 1000, तो मोलरता का जो फॉर्मूला है इस जगह मोलरता का फॉर्मूला अपन को यूज करना है। आगे हम बात करते हैं समप्रसारी विलयन क्या होता है। समप्रसारी विलयन जो होता है, समप्रसारी विलयन में पाई समप्रसारी विलयन का मतलब होता है कि दोनों चीज़ों में समप्रसारी विलयन में ये होता है कि समप्रसारी विलयन में आपका प्रश्न दाब दोनों साइडों का क्या होता है, बराबर होता है। समप्रसारी विलयन बराबर होता है, अगर नियत ताप पर उस पर रख दिया जाए तो उसकी सांद्रता भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अगर समप्रसारी विलयन को नियत ताप पर रखा जाए तो उसकी सांद्रता क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं जब पाई ज़्यादा हो, जब अगर आपने पाई ज़्यादा होगी नियत ताप पर, याद रखना नियत ताप पर अगर पाई ज़्यादा होता है, यानी कि पाई वन ज़्यादा है, प्रश्न दाब फर्स्ट विलयन का एक साइड एक विलयन का प्रश्न दाब ज़्यादा है तो उसकी सांद्रता भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और दूसरे का कम है तो उसकी सांद्रता भी क्या होगी, कम होगी। विलयन एक को उच्च प्रसारी, यानी कि जो विलयन एक रहेगा उसको क्या बोला जाएगा, उच्च प्रसारी बोला जाएगा, यानी कि पाई वन वाले को उच्च प्रसारी और विलयन दो को निम्न प्रसारी बोला जाएगा। सिंपल तरीके से यहाँ आपको समझा दिया गया, लेकिन फिर भी आपको लैंग्वेज में समझना है, अगर आपको रिटर्न में समझना है तो आगे मैं आपको आगे समझाऊंगा, तो घबराए ना, आप सभी बने रहिए। आप सभी की क्लास है, आप सभी का यूट्यूब चैनल है, आप सभी का सपोर्ट हमें चाहिए, आप सभी की मेहनत ही आप सभी को सफलता दिलाएगी। दोस्तों आप सभी अगर मेहनत करते हो आज, तो आज नहीं तो कल आपको जरूर सफलता मिलेगी। हम आपके साथ हैं और आप हमारे साथ बने रहिए, सिलेक्शन श्योर है। देखो एक ऐसी बात है कि अभी आपको लग रहा होगा कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको लिए कुछ अजीब चीज़ें पढ़ा रहे हैं। हम वो चीज़ें आपको दे रहे हैं जिनसे आपका सिलेक्शन होगा, 100% आपका सिलेक्शन होगा, कोई नहीं रोक सकता, कोई माई का लाल नहीं है जो आपको सिलेक्शन से रोक सकता है। अगर हमारी चीज़ें पढ़ी हुई अगर आप एग्जाम में करते हो, तो कोई ये नहीं बोला है कि आप कहाँ से पढ़ के आए हो, क्योंकि आप बोर्ड से पढ़ के आए हो या PDF से पढ़ के आ रहे हो, ये चीज़ कोई नहीं बोलने वाला, क्योंकि PDF में वो चीज़ आपको मिलेगी विदाउट टाइम वेस्टिंग, आपको बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। अगर मैं लाइव सेशन लेता हूँ तो उससे आपका टाइम वेस्ट होने वाला है, मेरा उससे कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप ही का टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि मैं तो ले लूँगा, मेरे पास तो फ्री पढ़ा रहता हूँ, मैं उस टाइम से ले लूँगा। बट लेकिन अगर आपको PPT से पढ़ाता, इससे रिकॉर्डेड क्लास लाता हूँ, तो उसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं होता और हमें भी अच्छा लगता है, हमारा भी टाइम बचता है, ताकि हम रिकॉर्डेड करके आपके लिए डाल देते हैं। तो ठीक है, अब अपनी बात हो गई कि यहाँ पर समप्रसारी विलयन क्या होता है, समप्रसारी उच्च प्रसारी सारी चीज़ें अपन ने देख ली है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, एक चीज़ इम्पोर्टेंट याद रखना, प्रश्न अपन ने पढ़ लिया तो विसरण भी अपन को याद होना चाहिए, विसरण क्या होता है और प्रश्न में क्या अंतर होता है। विसरण वह प्रक्रम जिसमें उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से अणु का निम्न सांद्रता क्षेत्र की ओर गमन हो, यानी कि वह प्रक्रम
वह प्रक्रम जिसमें उच्च सांद्रता यानी कि हाई सांद्रता हाई कंसंट्रेशन यानी कि उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से अणु का निम्न सांद्रता की ओर गमन हो विस्तरण कहलाता है। यानी कि उसमें क्या होता था, उसमें अर्ध पारगम्य झिल्ली से विलायक के अणु का तनुविलयन से सांद्र विलयन की ओर प्रभावी प्रवाह प्रसरण कहलाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ा उल्टा है। उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन हो ये क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आपकी ये कंप्लीट हो गई आपका प्रसरण। अब संप्रासारी और इनके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं, संप्रासारी अति प्रसारी, जो आपको थोड़ा सा नोट्स बनाने में भी अच्छा रहेगा। यहाँ से लगभग आपकी ये क्लास आधे घंटे की या 45 मिनट की रहने वाली है, तो थोड़ा सा और पेशेंस बना के रखिएगा। आपको मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा, ज़िंदगी बदल जाएगी आपकी अगर आपने अभी मेहनत कर ली तो। आपने अभी मेहनत करने का टाइम है, मेहनत अगर आप अभी कर लेते हो तो ज़िंदगी आपकी संवर जाएगी। आप एक दिन नर्सिंग ऑफिसर बन जाओगे, उस दिन आप सभी को सारे सपने साकार हो जाएंगे। अपने सपने मत देखो दोस्तों, देखना है तो अपने मम्मी पापा के सपने देखो। इस टाइम ये टाइम वही है जब आप अपने मम्मी पापा के सपनों को छोड़ देते हो और अपने मस्ती में मस्त हो जाते हो। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी अपने सपने मत देखो अभी, अपने सपने देखना बाद में, पहले मम्मी पापा के जो सपने हैं उनको पूरा करने का सोचना पहले। ठीक है, बात करते हैं आगे। वर्त अणु जैसे नोट लगा के लिख लेना है चीज़, वर्त अणु जैसे प्रोटीनों का अणुभार ज्ञात करने के लिए प्रासरण दाब विधि श्रेष्ठ होती है। यानी कि वर्त अणु जो होते हैं, बड़े बड़े जो अणु होते हैं, जैसे कि प्रोटीन का अणुभार ज्ञात करने के लिए प्रासरण दाब विधि श्रेष्ठ है, क्योंकि प्रासरण दाब कमरे के ताप पर आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। तो याद रखना इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो वर्त अणु होते हैं, बड़े बड़े अणु होते हैं, जैसे कि प्रोटीन हो गया, उनका जो अणुभार है, अणुभार ज्ञात करने के लिए हम प्रासरण दाब विधि श्रेष्ठ मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि प्रासरण दाब कमरे के ताप पर आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। अब क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन में बता सकता हूँ आपको यहाँ से कि वर्त अणु यानी कि जो बड़े अणु होते हैं उनका अणुभार ज्ञात करने के लिए कौन सी विधि श्रेष्ठ है। सबसे पहला क्वेश्चन तो बन गया, तो प्रासरण दाब क्यों बेस्ट है बड़े अणुओं का अणुभार ज्ञात करने के लिए, तो वो क्योंकि प्रासरण दाब कमरे के ताप पर आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। दूसरा, वर्त अणु कौन सा है, प्रोटीन क्या एक वर्त अणु है, हाँ प्रोटीन एक वर्त अणु है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, प्रोटीन का अणुभार ज्ञात करने के लिए कौन सी विधि श्रेष्ठ है, तो प्रोटीन एक वर्त अणु होता है, तो इसके लिए श्रेष्ठ विधि कौन सी होगी, आपकी होने वाली है प्रासरण दाब श्रेष्ठ विधि होने वाली। क्यों होती है श्रेष्ठ, क्योंकि प्रासरण दाब कमरे के ताप पर भी आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। संप्रासारी विलयन क्या होते हैं, वे दो विलयन जो अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक होने पर विलायक का बहाव नहीं होने देते। यानी कि संप्रासारी विलयन वो होते हैं जिनकी सांद्रता क्या हो जाती है, समान हो जाती है उनमें, मतलब विलायक ना तो इधर जाता है ना इधर जाता है, यानी कि सेम दोनों साइड बराबर हो जाती है, जिनके प्रासरण दाब समान होते हैं संप्रासारी विलयन कहलाते हैं। संप्रासारी विलयन की मोलर सांद्रताएं भी क्या होती है, समान होती है। मैंने आपको अभी यहाँ दिखाया था कि ये दोनों संप्रासारी विलयन है, दोनों का प्रासरण दाब सेम हो गया, तो इनके नियत ताप और उनकी सांद्रताएं भी क्या हो गई, समान हो गई। तो संप्रासारी विलयन में मोलर सांद्रताएं भी क्या हो जाती है, समान हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अति प्रासारी विलयन की हम बात करते हैं, तो अति प्रसारी विलयन दो बिन प्रासरण दाब वाले विलयनों में वह विलयन जिसका प्रासरण दाब उच्च होता है, जिसका प्रासरण दाब क्या होता है, उच्च होता है, द्वितीयक विलयन के सापेक्ष अति प्रसारी विलयन कहलाता है। तो अति प्रसारी विलयन के बारे में बता चुका कि इनका प्रासरण दाब किस प्रकार, ये इस प्रकार का पन्ने अभी देखा था, तो इनमें क्या होता है, इस प्रकार होता है, तो इनकी जो सांद्रताएं होगी वो भी क्या हो जाएगी, इसकी ज़्यादा होगी, C1 की ज़्यादा हो जाएगी, बस इतना अपन को ध्यान रखना है। ठीक है, अगला अल्प प्रसारी विलयन दो बिन प्रासरण दाब वाले विलयनों में वह विलयन जिसका प्रासरण दाब निम्न होता है, यानी कि ये वाला दो वाला है इसका प्रासरण दाब निम्न है, तो इसकी जो सांद्रताएं होगी वो भी द्वितीयक विलयन के सापेक्ष अल्प प्रसारी होगी, यानी कि इसकी सांद्रताएं भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, C2 इसकी सांद्रताएं रहेगी, तो कम रहेगी, बस इतना आपको पढ़ लेना है। हालांकि दोस्तों आप सभी की जितना मैं मेहनत करता हूं, जितने मैं अपनी एनर्जी खर्च करता हूं, उतना मुझे रेस्पॉन्स नहीं मिल पाता, लेकिन मैं भी इस चीज़ पर भरोसा रखे चल रहा हूं कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों मुझे इसका फल ज़रूर मिलेगा, ये चीज़ मैं मानकर चल रहा हूं, लेकिन फिर भी देखते हैं कब तक मैं पिछड़ा रहता हूं। मुझे पता है कि मैं
मेरा वो कैपेसिटी नहीं है, मैं वो नहीं पढ़ा सकता जो आपको अच्छा मटेरियल आपको प्रोवाइड नहीं करवा पाता, आई थिंक, मुझे लगता है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि सिलेक्शन सभी का सिक्योर कराऊँ मेरे साथ जो भी स्टूडेंट जुड़े होंगे। हाँ, हालांकि मैंने एक बोला था कि 40 स्टूडेंट SMS, तो 40 स्टूडेंट कौन है? वो 40 स्टूडेंट्स का मेरे पास रिकॉर्ड भी है, मैं उनको रेगुलर देखता हूँ, रेगुलर क्लास लेते हैं वो 40 स्टूडेंट्स। मुझे लगता है कि वो जरूर सिलेक्शन ले लेंगे SMS कॉलेज में। देखते हैं आप सभी में से कौन, और अगर 40 से बढ़कर 60 भी हो सकते हैं, क्योंकि 100 सीट है SMS में, 100 में से 100 अपने चले जाएंगे तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। फिर SMS में एक पार्टी करेंगे बड़ी सार की। चलिए, प्राशन दाब अपन ने पढ़ लिया। अब इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि प्रतिलोम प्राशन क्या होता है। तो प्रतिलोम प्राशन के बारे में सिंपल सा याद रख लेना, नोट लगा के, कि बाह्य दाब क्या होता है इसमें ज़्यादा होता है किसकी तुलना में, प्राशन दाब की तुलना में बाह्य दाब इसमें ज़्यादा होता है। तब विलायक के कण विलयन से विलायक की ओर गति करते हैं, यानी कि इसमें ऐसा हो जाता है कि जो विलायक के कण होते हैं वो विलयन से विलायक की ओर गति करते हैं। किसकी ओर? विलायक के कण विलयन से विलायक की ओर गति करते हैं। बस प्रतिलोम जो प्राशन दाब होता है वो थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, उसमें क्या होता है, विलायक के कण तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा होता है कि यहाँ पे विलयन से विलायक की ओर गति करने लग जाते हैं कौन, विलायक के कण। ठीक है, प्रतिलोम प्राशन आपका खत्म होता है। और इसके बाद आपका आता है अणुसंख्यक गुणधर्म की गणना तब सही होती है, कब सही होती है, जब बताइए। तो अणुसंख्यक गुणधर्म से विलय के अणुभार की गणना तब सही प्राप्त होती है जब। तो दो चीज़ें आपको याद रखनी है, कौन सी बातें हैं जब आप इसकी सही गणना कर पाएंगे। एक तो सबसे पहले विलयन आपका तनु है और राउल्ट नियम का पालन कर रहा, यानी कि राउल्ट के नियम का पालन कर रहा हो, यानी कि अणुसंख्यक गुणधर्म से विलय के अणुभार की गणना तभी कर सकते हैं जब ये विलयन तनु विलयन हो और साथ में राउल्ट के नियम का पालन कर रहा हो। विलयन में विलय न तो वियोजित हो और न ही सगुणन, विलयन वियोजित हो और विलय का संगुणन न हो, या न तो वियोजित हो विलय और ना ही सयुग्मित हो, तभी आप अणुसंख्यक गुणधर्म के जरिए विलय के अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। अगर विलय वियोजित होता है या सगुणित होता है तो आप अणुसंख्यक गुणधर्म की मदद से विलय का अणुभार करते ज्ञात नहीं कर सकते। अगर विलयन तनु है तभी आप नहीं निकाल सकते, और अगर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता तब भी आप अणुसंख्यक गुणधर्म के जरिए विलय के अणुभार ज्ञात नहीं कर सकते। अब ये चीज़ें तो आपको पता होगी, लेकिन अगर मान लो ये कंडीशन हो गई कि राउल्ट का नियम का पालन नहीं कर रहा हो, तनु विलयन हो और वियोजित होता हो, सगुणित होता हो, तो क्या करे? तो उसके लिए फिर वान्ट हाफ गुणांक नियम आया था उसके बारे में, उसकी मदद से, यानी कि जो आई अपन हर आगे पढ़ते आ रहे थे कि आई सबसे मल्टीप्लाई हो रहा था, तो उस आई का मतलब था, क्योंकि उन सभी के आगे क्या लिखा हुआ था, तनु लिखा हुआ दिखाई दे रहा था आपको, तनु विलयन के लिए, ये देख सकते हो यहाँ भी क्या लिखा हुआ, तनु विलयन के लिए आई जोड़ दिया, लेकिन नॉर्मल विलयन होगा तो आई नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ भी आप देख सकते हो, ये भी तनु विलयन के लिए ही है, और जहाँ जहाँ आई आ रहा है तनु विलयन के लिए ही आता है, आप यहाँ देख सकते हो तनु विलयन के लिए आई आ रहा है। तो दोस्तों, तनु विलयन के लिए ही हम वांट आप गुणांक का नियम, जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, और जो तनु विलयन होता है, जो वियोजित होता है या सगुणित होता है, उन सभी के लिए वांट आप गुणांक का नियम हम लागू करते हैं, उनके लिए लागू होता है। क्या बोलता है? जो अणुसंख्यक गुणधर्म होता है, असामान्य अणुभार क्या होता है, यानी कि असामान्य अणुभार जो होता है वो क्या होता है, यदि विलय को विलायक में गोलने पर उसका आयनन या वियोजन हो जाता है, यानी कि जब विलय को हम विलायक में गोलने के बाद या तो उसका आयनन हो जाता है या वियोजित होता है या सगुणन होता है, तो विलयन में कणों की संख्या में वृद्धि या कमी होगी। यानी कि अगर आयनन होगा या वियोजन होगा तो उसमें संख्या, कणों की संख्या में क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी, लेकिन सगुणन होगा तो उसके कणों की संख्या में कमी होती है। तो अणुसंख्यक गुणधर्म में परिवर्तन से विलय का अणुभार वास्तविक अणुभार से भिन्न प्राप्त होता है, यानी कि जो इन परिवर्तनों के कारण अणुसंख्यक गुणों में जो परिवर्तन होता है उनके कारण अणुभार जो होगा वो वास्तविक अणुभार से क्या होगा, भिन्न प्राप्त होता है। इस अणुभार को असामान्य अणुभार कहते हैं। तो दोस्तों, असामान्य अणुभार किसे कहते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब इस असामान्य अणुभार को ज्ञात करने के लिए हम एक फॉर्मूले का यूज करते हैं, जो है आपका वांट हाफ का गुणांक। ठीक है, इस फॉर्मूले का अपन बहुत जगह आई देखा है, तो इस आई का मतलब आप देखते हैं। तो आई वांट हाफ गुणांक इज इक्वल टू क्या होता है,
प्रायोगिक अनुसंख्यिक गुणधर्म अपॉन सैद्धांतिक अनुसंख्यिक गुणधर्म, यानी कि सैद्धांतिक मोलर बार अपॉन प्रायोगिक मोलर बार, बस इस फॉर्मूले का यूज कर अपन आई निकाल सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह ध्यान रखना कि जो न तो वियोजित होते हैं नहीं संयोजित होते हैं, यानी कि जो न तो वियोजित होते हैं नहीं संयोजित होते हैं, उन सभी के लिए जो आपका आई रहेगा, वांट हाफ गुणांक रहेगा, वो एक रहने वाला है। जैसे कि एग्जांपल है शुगर, ग्लूकोज, यूरिया। शुगर, ग्लूकोज, यूरिया जो होते हैं, शुगर और ग्लूकोज, जो शुगर होता है, ग्लूकोज होता है, जो यूरिया जो होते हैं, इन सभी के लिए वांट हाफ गुणांक एक होता है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शक्कर के लिए वांट हाफ गुणांक कितना होगा, तो एक होगा। ग्लूकोज के लिए कितना होगा, एक होगा। यूरिया के लिए कितना होता है, यूरिया के लिए भी एक ही होता है आपका वांट हाफ गुणांक। आगे हम बात करते हैं डिसोसिएशन मतलब आयनन, यानी कि जो वियोजित होता है, वियोजित होने वालों के लिए वांट हाफ गुणांक हमेशा एक से ज़्यादा होता है। क्या होता है, एक से ज़्यादा होता है। किसके लिए, जैसे कि आपका NaCl है, NaCl के लिए वांट हाफ गुणांक क्या होगा, तो NaCl के लिए जो होगा वो अलग ही होगा, मतलब टूटने वालों के लिए अलग होता है। जो वियोजित हो जाते हैं, आयनन जिनका हो जाता है, उनके लिए आपका जो आयनन गुणांक होगा वो हमेशा एक से ज़्यादा रहेगा। तो बस आप सभी को इतना ध्यान रखना है कि जो अपने दो या तीन पार्ट्स में टूट जाता है, उन सभी के लिए जो जैसे कि NaCl हो गया, NaCl Na प्लस में अलग हो जाता है, Cl माइनस अलग हो जाता है, तो अलग अलग टूट जाता है, तो इनके लिए आपका अलग होगा, मतलब एक से ज़्यादा ही रहने वाला है। जैसे कि जो यहाँ पे ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले का यूज कर अपन निकाल सकते हैं। आई यहाँ पे क्या दे रखा है, आई इज इक्वल टू वन प्लस एन, यानी यहाँ पे क्या है, कुल आयनों की संख्या, यानी कि NaCl में आयनों की संख्या कितनी होती है। NaCl जो होता है आपका, NaCl में दो आयन होते हैं, यानी कि एक तो Na प्लस और एक Cl, यानी कि एन की संख्या तो दो हो गई, लेकिन जो ए हो वियोजन की मात्रा होती है आपको एक क्वेश्चंस में दिया रहता है, तो उस अकॉर्डिंग अपन को निकालना होता है। तो वियोजन की मात्रा वगैरह क्वेश्चंस में मिल जाती है। और एसोसिएशन की बात करते हैं, तो एसोसिएशन के मतलब यानी कि जुड़ने यानी कि सगुणन में क्या होता है, जो आई का मान होता है वो हमेशा एक से कम होता है। आई का मान कितना होता है, हमेशा एक से कम ही होगा। तो इसका फॉर्मूला आप सभी के सामने, आई इज इक्वल टू वन माइनस एल्फा, एल्फा प्लस एल्फा अपॉन एन, यानी कि एन क्या है, संयोजित होने वाले कणों की संख्या। जैसे NaCl अगर ये वापस संयोजित होते हैं, तो इनमें संयोजित होने वाले कणों की संख्या कितनी होगी, दो हो गई, क्योंकि एक और दो, दो कण इसमें संयोजित हो रहे और वियोजित में भी दो ही रहते हैं, तो ये हो गया एल्फा की संख्या, सम्मा संयोजन की कोटि उसमें दी रहती है क्वेश्चंस में। तो दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। बाकी आपके लिए थोड़ा सा और दे रखा है नीचे, आई का मतलब आई बराबर एक जब आएगा, जब विलय का विलयन में सगुणन हो, सगुणन और आयनन दोनों ही नहीं होता हो। जैसे कि शुगर हो गया आपका, और ग्लूकोज हो गया, और यूरिया हो गया, इन सब में यह फॉलो होता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। आई का मान एक से ज़्यादा कब होगा, आई का मान एक से ज़्यादा कब होगा, जब होगा जब विलय का आयनन होता हो। क्या होता है, आयनन, यानी कि उसका डी एसोसिएशन वियोजन होता हो, तब आई का मान एक से ज़्यादा होगा। और विलय का सगुणन कब होता है, जब आई का मान एक से विलय का सगुणन होता है, तब क्या होता है, आई का मान हमेशा एक से कम रहेगा। तो बस ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि वांट हाफ गुणांक का मान एक कब होगा, एक से ज़्यादा कब होगा, एक से कम कब होगा, ये चीज़ इतनी सी आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो लाइक करना, शेयर करना, और उन सभी फ्रेंड्स को बताना जो क्लासें नहीं लेते, उनको बताना कि गोल्डन क्लासें चल रही है, ये मौका अपने हाथ में, मौका अपने हाथ से नहीं जाने देना है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए आप बने रहिए, धन्यवाद।